नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। आज ही के दिन 10 साल पहले भारत सरकार और तत्कालीन प्रधानमंत्री के अथक प्रयास के चलते पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस दिन देश भर में योग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पशुधन एवं दुग्ध विकास कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने आज 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के अवसर पर मेरठ के कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न योगासनों के द्वारा लोगों को योग करने की प्रेरणा दी। कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने इस अवसर पर योग को ऊर्जा से परिपूर्ण और स्फूर्तिदायक बताते हुए कहा कि स्वस्थ और निरोगी काया के लिए योग आवश्यक है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व व प्रेरणा से आज न केवल योग जन जन के बीच पहुंच रहा है, बल्कि वृद्ध स्तर पर लोग एक साथ एकत्रित हो योग कर रहे हैं, जिससे एकता की भावना को भी बल मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर उत्तर प्रदेश के सभी बधाई और धन्यवाद देता हूँ। सबका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसलिए हमारे संत महात्माओं ने और भारतीय सभ्यता में योग रचा और बसा है। योग से तन भी ठीक रहता है और मन भी ठीक रहता है। जब व्यक्ति का तन ठीक होगा तो मन ठीक होगा, और मन ठीक होगा तो सारे कार्यों में रुचि लेकर भारत को और देश को प्रगति की ओर ले जाने का काम करेगा। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संपूर्ण देश में मनाया जा रहा है। और मैंने मोदी जी को भी बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति देने का काम किया है। वैसे भी अब भारत विश्वगुरु की ओर बढ़ रहा है और हमारा भारत देश अब विश्वगुरु बन रहा है। लखनऊ से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।